Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and decision Making. This is module number 179. And our concern is that let go of the guilt. Let go of the guilt ka basically means that when you say no to someone, even having empathy and concern with the person, you will be guiltless. And that guilt is basically is going to hurt you in the longer run. वट टू डू इफ यू आर हैविंग दट गिलॉजार्ड टू सेवन हार्डर टू फेस एंड टैकल द गिल्ट जो आपके अंदर बाद में इवॉल्व वो कर जाएगा सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट आपको अपने आप को जस्टिफाई भी रखना है कि अगर आपने किसी को नो कहा इवन हैविंग द कंसर्न एंड एम्पथी तो उस नो के अंदर उसी की बेहतरी वो पोशीदा थी You have to understand कि आपकी सिंसेरिटी हर मसले का हल वो नहीं है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने तमाम तरह कंसर्न के बावजूद हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अपनी कॉम्पिटेंसी महारत एक्सपर्टीज वो ना रखते हो वो देरफोर आपको अपने आप को भी समझाना और बताना है कि इफ यू हैव से दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड बी सफरिंग फ्रॉम गेल्ट आपने कोई जुर्म नहीं किया ट्रूली एस्टिमेट किया है कि आया आप उस मसले को टैकल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो नाउ रिमेंबर व्हेन यू हैव टू लेट गो द गल देर आर फ्यू एस्पेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज के यू हैव टू रिकनाइज के जो कन्फ्लिक्ट अकर कर रहा है उस कन्फ्लिक्ट को सबसे बेहतर वही लोग टैकल कर सकते हैं जो डायरेक्टली उस कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं आप सपोजेडली वहां पर थर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद हो तो मे बी आप उस सिचुएशन को वैसे ना अंडरस्टैंड कर सकते हो ना परसीव कर सकते हो बिकॉज जिनका मामला है वो उस सिचुएशन को बेहतर तौर अंडरस्टैंड करते हैं तो वट यू कैन डू यस यू कैन गो फॉर काउंसलिंग यस यू कैन गो फॉर मीडिएशन बट एट द सेम टाइम यू शुड बी नोइंग इफ यू से नो यू कैन नॉट डू इट तो उस सूरत में अपने आप को आपने गिल्ट से अपने आप को आपने एक नेगेटिव फीलिंग से वो बाहर रखना है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जब हम गिल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि क्या उस सिचुएशन के अंदर वाकई आप ही वाद वो शख्स थे जो कि हेल्प कर सकते थे इफ यस yes, तो फिर तो आपका अखलाकी फर्ज है कि आप उस शख्स की हेल्प करें लेकिन इफ यू आर नॉट द ओनली पर्सन देर आर अदर पीपल अराउंड एज वेल के जो लोग उसकी मदद कर सकते हैं और मे बी आपसे बेहतर मदद कर सकते हैं सो लेट देम हैव देयर रोल लेट देम हैव देयर एनर्जी एंड लेट देम हैव देयर कंसर्न टू डील विद द पीपल इट इज नॉट ऑलवेज यू के आप हर जगह पर हर मसले के हल के लिए वो मौजूद हो बट पर चीज को रखते हैं कि अगर वाकई आपकी में आपकी पावर में आपके अख्तियार में वो चीज थी आपके पास वक्त भी था तो देन देर इज नो डाउट कि अब आपको मदद जरूर करनी चाहिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हम अपना फोकस कर रहे हैं कि अपने आप को जब आपने गिल्ड से जुदा करना है तो रिमेंबर कि अगर आप हर किसी को यस करते जाओगे हर किसी के सुनते चले जाओगे तो एक्चुअली आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और हो सकता है कि जहां पर वाकई आपकी जरूरत थी जहां पर वाकई आपकी मदद दरकार थी वहां पर आपके पास ना वक्त बचे और ना मदद करने की पावर बचे। केयरफुल इन जस्टिफाइंग योर ये बींग टॉक्सिक हैंडलर आपने किनके साथ डील करना है कब डील करना है और कितना डील करना है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि अगर आप किसी को अपने कंसर्न एंड एम्पे के बावजूद भी नो कह रहे हो तो उसमें यू हैव टू पुट आउट ऑफ द गिल्ट बिकॉज दैट गिल्ट इज गोइंग टू कॉज यू प्रॉब्लम बिकॉज उस गिल्ट से आप एक कंफ्यूजन का शिकार रहोगे और उस गिल्ट से आप किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाओगे सो वी हैव टू बी केयरफुल इन अवर द पीपल बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांस थैंक यू